बीती उम्र 22 वर्ष पत्नी विकास मौर्य निवासी तालगांव जनपद सीतापुर को जान से मारकर फांसी के फंदे से लटकाया। विकास मौर्य के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य निवासी तालगांव के अपने आप को पेशेवर पत्रकार बताते हैं। वहीं प्रीति के पिताजी व चाचा व ग्राम प्रधान गोराईपुर सुबह 6 बजे फोन आता है कि प्रीति ने फांसी लगा ली है। मौके पर पारिवारिक जन पहुंचे तालगांव, वहां पर पुलिस प्रशासन पहले से मौके पर मौजूद थी। पारिवारिक जनों का कहना था कि थाना तालगांव पूर्ण रूप से बिका हुआ था, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, न कि परिवार वाले को न किसी पत्रकार को अंदर जाने दिया गया था, जो कि किसी को कोई फोटो ना मिले। लेकिन किसी तरह से परिवार के एक सदस्य ने, क्योंकि प्रीति के चाचा हैं, अंदर जाकर कुछ वीडियो हुआ फोटो खींच लिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रीति को मार करके फांसी के फंदे पर लटकाया गया। पुलिस का कहना है कि आपस में सुलह समझौता कर लो, या प्रीति के पिता तेजपाल मौर्य का कहना है, और प्रधान जी भी वहां पर मौजूद थे, जो कह रहे थे कि पुलिस सुलह समझौते का दबाव बना रही। पुलिस का कहना था कि वो लोग बहुत पैसे वाले और पावरफुल है, आप लोग उनसे सुलह समझौता कर ले तो अच्छा होगा। आपके लिए प्रीति कई दिनों से अपने घर जाने को कह रही थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसको नहीं भेजा। कल उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा मुझे लोग जान से मार डालेंगे, आप आकर के मुझे ले जाओ। प्रीति के पिता ने फोन भी किया, हम बेटी को लेने आ रहे हैं, लेकिन प्रीति के ससुराल वालों ने कहा कि हम लड़की तुम्हारे घर लेकर खुद ही आ रहे हैं। प्रीति के घर वाले देर रात तक इंतजार करते रहे कि अब आ रही होगी लेकर, लेकिन ऐसा देर रात नहीं हुआ। मंदबारा से शिवाकांत दीक्षित की। हाँ भैया, क्या हुआ सर? कल हमारी लड़की से बात हुई, वो कह रही थी पापा हमको ले चलो, यहाँ हमको जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो हमने कहा कि हम आ रहे हैं, लोगों से बात किया और उन्होंने कहा कि हम लेकर के आएंगे लड़की को, हम आप आइए मत। तो हम देर रात तक इंतज़ार किया, देर इंतज़ार करने के बाद वो नहीं आए। फिर उसके बाद सुबह हमको सूचना मिली 6 बजे लगभग कि लड़की मार दी गई है, फांसी लगा ली, फांसी के फंदे से लटकाई और जमीन पर उसके पैर रखे हुए थे। कहीं से हमें दुकान का सामान खुला दिया। मैं वहां गया, जाने पर मुझे पुलिस तैनात पहले से थी, वो हमें अंदर जाने से मना कर दिया। ना किसी मेरे तरफ के भाई बंधुओं को अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रधान जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये सब तो है, हम गए तो हमको पुलिस ने बाहर रोक लिया। रोकने के बाद हम अंदर जाना चाहे तो कई मतलब आप समझ लीजिए 15-20 मिनट तक हम खड़े रहे, उसके बाद जैसे तैसे हम वहां तक पहुंच पाए। क्या देखा आपने वहां पे? वहां देखा कि वो मिट्टी जो है, लाश जो है बिटिया की, वो लटक रही थी जमीन से बिल्कुल नीचे, जो है जमीन पे उसके पैर डिगे हुए थे। हम लोगों ने पैर पकड़ के उसके हिलाए भी तो पैर नीचे से नहीं हट रहे थे, पैर जमीन पे ही लगे थे। ये नहीं कि मतलब अगर लटकेगी तो पैर उठने चाहिए ना दूर। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम बिल्कुल हत्या हुई है, बिल्कुल हत्या हुई है, और हत्या 100% नहीं 110% ही हत्या हुई, मार के लटकाया गया। कोई दबाव बना रहा आपसे? दबाव ये है कि अब दबाव भाई मिला के पड़ोस में रहते हैं, पुलिस अपना थोड़ा समझौता कर लीजिए, FIR मत लिखाइए। और किसने कहा आपसे? इंस्पेक्टर ने बताया। आपका क्या नाम है? धनपाल मौर्य। कहाँ रहते हैं? गुराईपुर। मैं वो लड़की के चाचा हूँ। जी, वो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये है, लड़की जो है कल जो अपने फोन किया अपने पापा से,